मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 और बड़ी खास खबरों का। आज यानी 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि अमित शाह 3 अक्टूबर को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला, चतरा जिले के सिमरिया और हजारीबाग के बरकट्ठा में चुनावी सभा कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बैलेट पेपर छप कर आ गए हैं। आपको बता दें कि आज यानी 3 नवंबर से विमेंस यूनिवर्सिटी परिसर में पोस्टल बैलेट से मतदान शुरू होगा, जिसमें विभिन्न कर्मचारी शामिल होंगे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अब सम्पन्न होने की कगार पर है। बता दें कि आज यानी 3 नवंबर को भैया दूज पर ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट भी 6 माह के लिए बंद हो जाएंगे। महाकुंभ को देखते हुए आज यानी 3 नवंबर को जूना अखाड़ा नगर प्रवेश करेंगे। बता दें इस अखाड़े के साथ ही किन्नर अखाड़ा भी नगर प्रवेश करेगा। भव्य रूप से इसकी तैयारियां की गई है। भिंड कार्यालय पेंशनर्स एसोसिएशन शाखा भिंड द्वारा आज यानी 3 नवंबर को शाम 4 बजे अर्धनारीश्वर मंदिर परिसर गौरी सरोवर पर बैठक का आयोजन किया गया है। बता दें ये जानकारी सचिव के आर शाकेवार ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक में पेंशनरों की मांगों और उनकी समस्याओं को लेकर ये बैठक होगी। गुना में विश्व गीता प्रतिष्ठानम गीता स्वाध्याय मंडल के तत्वाधान में साप्ताहिक गीता स्वाध्याय के अंतर्गत गीता स्वाध्याय आज यानी 3 नवंबर को शाम 4 बजे दुर्गा टॉकीज परिवार के बद्री प्रसाद शर्मा के निवास गणेश भवन छोटी मस्जिद गली द्वारकाधीश मंदिर के पास होगा। गल्ला मंडी आज यानी 3 नवंबर को बंद रहेगी। बता दें कि सभी किसानों को सूचित किया गया है कि वे अपनी उपज एवं लहसुन प्याज 3 नवंबर के बाद ही लाएं। छठ पूजा के त्योहार के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काचीगुड़ा दरभंगा काचीगुड़ा के मध्य छठ पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू की गई है। बता दें कि ट्रेन नंबर 07691 के तहत काचीगुड़ा से दरभंगा के लिए ये स्पेशल ट्रेन 3 और 10 नवंबर को सुबह 10 बजे रवाना होगी। संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा व मंत्री विनोद जैन ने बताया कि संघ आज यानी 3 नवंबर को मारवाड़ी ब्राह्मण धर्मशाला में दीपावली मिलन समारोह मनाएगा। भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार आज यानी 3 नवंबर से मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। बता दें कि उत्तर भारत में तापमान फिलहाल सामान्य से 3 डिग्री अधिक बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 2 दिनों तक मौसम में कोई विशेष बदलाव की संभावनाएं नहीं है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1493 में आज ही के दिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिका द्वीप की खोज की थी। साल 1796 में आज ही के दिन जॉन एडम्स अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। साल 1869 में आज ही के दिन कनाडा में हैमिल्टन फुटबॉल क्लब अस्तित्व में आया था। साल 1937 में आज के दिन हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का जन्म हुआ था। साल 2008 में आज के दिन भारत के भूतपूर्व 24वें मुख्य न्यायाधीश ललित मोहन शर्मा का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।